पूरे हफ्ते का है और ये पूरे हफ्ते का विश्लेषण इसलिए है कि सोमवार से शुक्रवार हो गया, शुक्रवार से भी दिन आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन स्थिति ऐसी की ऐसी ही है क्योंकि पॉलिटिक्स बदस्तूर चल रही है। सोमवार को क्या होता है, मैं सबसे पहले आपको यह दिखाता हूं कि व्हाट हैपेंस ऑन मंडे। सोमवार राहुल गांधी ने कहा कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है, यह बात उन्होंने तीसरी बार कही थी सोमवार को। मैं बढ़ता हूं आगे, अब सोमवार के बाद मंगलवार राहुल गांधी ने कहा पीएम मोदी को क्यों चीन का समर्थन कर रहे हैं, यह राहुल गांधी का हमला था। अब आता है बुधवार, बीजेपी ने कहा कि चीन से गांधी परिवार का क्या रिश्ता है, क्योंकि तब उस समय हम बात एमओयू की बात हो रही थी जो राहुल गांधी और मैडम गांधी गई थी, उस एमओयू की बात हो रही थी। अब आता है गुरुवार, राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन के चंदे पर बीजेपी बोली ये गांधी परिवार को घूस है। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन एम्बेसी ने 90 लाख रुपए का चंदा दिया था, उसको लेकर यह बवाल मचा। शुक्रवार का दिन आता है, राजीव गांधी फाउंडेशन को प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से PMNRF से चंदा मिलने को बीजेपी ने शर्मनाक बताया। लेकिन ये दिलचस्प है अपने आप में ये आरोप जो है, क्योंकि PMNRF जो है वो राजीव गांधी फाउंडेशन को चंदा क्यों देगा, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड चंदा क्यों देगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और 1991 के अंदर मैं बजट स्पीच पढ़ रहा था, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह की तत्कालीन वो वित्त मंत्री थे, उन्होंने भी काफी पैसा एलोकेट किया है राजीव गांधी फाउंडेशन को। नाउ दिस इज क्वेश्चनेबल कि राजीव गांधी फाउंडेशन को प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड क्या देगा, ऐसा रिलीफ कौन सा है जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड नहीं कर सकता जो राजीव गांधी फाउंडेशन कर सकती है। मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान जुड़ रहे हैं टक्कर देने के लिए, एक तरफ डॉक्टर संबित पात्रा है तो दूसरी तरफ गौरव वल्लभ है, दोनों का अभिनंदन है, दोनों अपनी पार्टी के धुरंधर प्रवक्ता है, एक तरफ AK वाजपेयी है तो दूसरी तरफ अनुराग भदौरिया है, आपका दोनों का भी अभिनंदन है। आज की डिबेट को मैं शुरू करता हूं संबित पात्रा आपसे। संबित पात्रा, आपने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आपके ट्वीट को मैं पढ़ रहा था तो आपने बोला क्या ये क्वीन विक्टोरिया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं संबित पात्रा कि ये चीन का पूरा मामला गांधी परिवार ने घूस ली है नहीं ली है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा गया है नहीं गया है, उस पर क्यों आ गया, कैसे आ गया? देखिए मैं समझाता क्या हूं। ये आपका एस्केप रूट है? नहीं, हम क्यों एस्केप करेंगे, ये जीतता हुआ हिंदुस्तान है, याद रखिए ये न्यू इंडिया है, हिंदुस्तान जीत रही है, हिंदुस्तान की आर्मी बहुत ब्रेव आर्मी है, एक प्रोफेशनल आर्मी है, इसलिए किसी को एस्केप की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी को एस्केप की आवश्यकता है तो वो चाइना को, चाइना सोचे वो अपने आप को कैसे बचाएगा, हमें एस्केप की कोई आवश्यकता नहीं है, हम डट के खड़े हुए। देखिए क्यों ये बातें हो रही, जहां तक चाइना और चाइना की मिलिट्री की बात है, चाइना एक ऐसा कंट्री है जो कि केवल मिलिट्री पावर इस्तेमाल करके लड़ाई नहीं लड़ता है, वो मल्टीपल फ्रंट्स पे लड़ाई करता है, वो देश के अंदर हमारे सिस्टमों को तोड़ने के लिए प्रोपेगेंडा करता है, प्रोपेगेंडा वॉर करता है, साइबर वॉर करता है, साइकोलॉजिकल वॉर करता है, इंफॉर्मेशन वॉर करता है, मीडिया वॉर करता है, इन सब के माध्यम से वो कहीं ना कहीं लड़ता है। वैसे में अगर MOU साइन हो, वैसे में अगर पैसों का आदान प्रदान हो, और जो मैं अभी खुलासा करने वाला हूं वो बहुत बड़ा खुलासा है आज का। देखिए आज हम सुबह से ही राजीव गांधी फाउंडेशन के बारे में बात कर रहे हैं, आदरणीय JP नड्डा साहब जो हमारे अध्यक्ष हैं उन्होंने बहुत बड़े खुलासे के साथ आज दिन को आरंभ किया था कि किस प्रकार पैसा इत्यादि लेन देन हो रहा है। कल रविशंकर प्रसाद जी ने बताया ये जो राजीव गांधी फाउंडेशन है ये थोड़ा ब्लर्ड है पिक्चर, बहुत आप अच्छे से देख नहीं पाएंगे, मगर इसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने एक राजीव गांधी फाउंडेशन ने करार किया था किसके साथ, चाइना एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनली फ्रेंडली कॉन्टैक्ट, ये वो वाला ये अलग करार है जो उन्होंने किया था। अब ये कागज देखिए जरा, और चूंकि मैं स्काइप पे हूं आप इसको क्लोजअप नहीं दिखा सकते हैं, मगर प्लीज देखिएगा ये चाइना एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल फ्रेंडली कॉन्ट्रैक्ट ये है क्या, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मैं पढ़ता हूं जरा सुनिएगा, आप सिहर उठिएगा, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, द चाइना एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनली फ्रेंडली कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ करार हुआ कांग्रेस पार्टी के राजीव गांधी फाउंडेशन का, इज अ यूनाइटेड फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन सबॉर्डिनेट टू द लियासन डिपार्टमेंट ऑफ द पॉलिटिकल वर्क डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, CAIFC was founded in 1984 and is active in overseas influencing operations to promote the interest of Communist Party of China. And the report is CAIFC performs dual roles of intelligence collection and conducting propaganda and perception management of campaign. नहीं देखिए ये intelligence collection करता है, ये propaganda करता है। आप बताइए आपको Cambridge Analytica याद है ना? ठीक उसी प्रकार यहाँ चाइना के साथ करार करके चाइना को इंटेलिजेंस देना, बदले में पैसा लेना, चाइना के प्रोपेगेंडा को हिंदुस्तान में फैलाना, बदले में पैसा लेना, यही तो हम कह रहे हैं।